लेकिन छकड़ लो उसके हाथों को तेजी से जकड़ो, लगाओ डालो जंजीरा उसको तेजी से, उखाड़ लो उसके हाथों को, कहीं को आया उन्हें वापिस, जकड़ो उसके हाथों को, जकड़ लो और तेजी से जकड़ो, तोड़ देंगे अब उसके हाथ काट के, उसको बगैर हाथों का बना के छोड़ेंगे, उसको बगैर हाथों को फिर बोलेंगे कहाँ जाता था, जकड़ लो उसके हाथों को तेजी से जकड़ो। लगा कितनी ताकत है तेरी, लगा पूरी नाला उखाड़ देता हूँ, लगा खुल देगा, देखो खुल, लगा जकड़ लो उसको तेज जकड़ो जंजीरा डाल के, जकड़ो उसके दोनों हाथों को जकड़ लो तेज जकड़ो और तेज जकड़ो, जकड़ो उसको और तेजी से जकड़ो, छोड़ो मत उसके दोनों हाथों में जंजीरा डालो तेजी से, जकड़ लो उसके दोनों हाथों को भी तेजी से जकड़ो, जकड़ो और तेजी से, तालो कस के जकड़ो उसको और तेजी से जकड़ लो, तोड़ दूं तोड़ दूं, सुने जोर से बोलना आला है, मैं तोड़ दूंगा ये, जकड़ो छोड़ो मत उसको, बिल्कुल मत छोड़ो उसको, छोड़ो मत उसको नाला, छोड़ो मत, जकड़ो उसको, जकड़ो तेजी से, जकड़ो 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 तेजी से, तोड़ दूं हाँ, जकड़ो और तेजी डालो जंजीरा तेजी से, जकड़ो उसको नाला को दिखाओ उसको और तेजी से जकड़ो, वो दादागिरी कर रहा रे जिन्नात बन के कमी ने, हाँ जकड़ो 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 और तेजी जकड़ो, छोड़ो मत उसके हाथों को, एक बार भी छोड़ो मत, लगा रे खुलते क्या देखो, लगा पूरी ताकत, तोड़ दूंगा अभी, तोड़ दूं बोल, तोड़ दूं क्या जल्दी, लगा पूरी ताकत जल्दी, लगा पूरी ताकत, लगा जोर से, लगा पूरी ताकत जोर से, पूरी ताकत जोर से, कितनी देर में ताकत पूरी, जकड़ो उसको तेजी जकड़ो, छोड़ो मत उसको, लगा पूरी ताकत, जकड़ लो दोनों को तेजी से और जंजीरा डाल के जकड़ो, लगा पूरी ताकत खुलते क्या देखो, लगा लगा नहीं तो तोड़ दूंगा अभी, जकड़ो उसके हाथों को तेज जकड़ो, तोड़ दूं, लगा ताकत लगा खुलते क्या देखो, देखो ना लोगों को परेशान कर रहा रे कमीने, जाना गुनेगार लोगों को परेशान करना जाके, देता ना मैं तुक नाम कौन मस्तियां चढ़े लोगों को तुमको जाके, तोड़ दूं वहां था, लगा फिर पूरी ताकत लगा खुलते क्या देखो, लगा पूरी ताकत जोर से, तोड़ दूंगा अभी और जोर से, कितनी ताकत है, खुले खुल सकता, जोर से बोल, सब कुछ सुने आना जोर से,
लगाओ, उसके अंदर से आग लगाओ, उसके पेट में भी आग लगाओ। क्यों आया तू वापिस? कौन बजे तेको? हाँ क्या बजे है वो, जल्दी बोल क्या बजे, क्या बजे थी? ऐसा दिल बोला तो मन माना कर रहा हो रे। कहाँ से आया तू वापिस? कहाँ पकड़ा तूने वापिस? जमात के अंदर आया था और तू हाँ मस्जिद में से? हाँ जोर से सब कुछ सुने आना। चल सब माल में मुझे तेरी जबानी बता जल्दी, तोड़ दूंगा ना दोनों हाथ। तोड़ू हाँ? ये मस्जिद में सोया था, 25 रमजान थे, मैंने देखा इसको आराम से सोया रहा है। इसके 40 दिन होने के बाद उसी दिन शाम से 12 के बाद चालू कर रोज चालू कर औरंगाबाद से आया था। यहाँ से करेंगे आप दोबारा? अब नहीं करूँगा। रमजान में भी नहीं पका शरीर लोगों को नाला है, इतनी मस्ती चढ़ी तुम्हारे। कितने रोजे को पकड़ा तूने इसको? 25 जोर से बोल, सबको सुने आना, नाला है तेरी करतूत। बोल जोर से, नहीं खुलते रे वो, लगा पूरी ताकत, झगड़ लो उसको और तेजी से, डालो उसके अंदर जंजीरा, नाला है झगड़ो तेजी से, झगड़ो उसको तेजी से। मैं आया था 18 रमजान को, 18 रमजान को इस वाला मस्जिद में, 18 रमजान को तूने इसको आया, 25 रमजान को तूने इसको मस्जिद में सोता हुआ देखा। कमीने, 25 रमजान बोले तो नहीं एहतिकाब में बैठा था क्या? नहीं झूठ बोला। हाँ फिर कब? 18 18 को तो आया था, 18 को करा। सही बोल, सही बोल। अब क्या करूँ, तोड़ दो हाथ, जकड़ लो उसके और तेजी जकड़ो, बस मनमानिया कर रहा हूँ। 11 दिन मेरा बगैर कुछ करेगी आगे चल जाना यहाँ से, मैं सब छोड़ दूंगा। कहाँ पे आना उन 11 जुमेरात? तुम्हारे पास। जोर से बोल, सबको सुने आना। आज से 11 जुमेरात, आज से 11 जुमेरात तूने मेरे पास आएगा, तो फिर बाद में तू उसको कुछ नहीं करेगा। छोड़ दूंगा। जोर से बोल, छोड़ दूंगा, कुछ करे छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ देगा। कुछ नहीं, कुछ करने की गलत भी नहीं, अब छोड़ दूंगा मैं इसको। मैं पूरा कटे वाला है यार, मेरा सिर बाकी है खाली, बस 11 जुमेरात में सर कट जाएगा मेरा, उसके बाद निकलूंगा। कुछ नहीं करना, उतारे की गलत नहीं, कुछ नहीं, 11 जुमेरात में मैं सब छोड़ दूंगा। अच्छा कट जाने वाला है मुझे, अब सीने के ऊपर बाकी है मैं खाली, बस इतना बाकी है जलने के बाद। और 11 जुमेरात इन्हें 11 हजरी लगाया समझो, आज का पकड़ के तो मैं पूरा कर जाऊंगा, फिर कभी हवी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। माफी मांगता हूँ। जोर से मन सबको सुने, कितना बड़ा भी बादशाह रहेगा तो कोई भी रहेगा ना, तो अल्लाह करम से मेरे सामने जेर है, तो देखा ना कि मेरे पास अल्लाह का कलाम है ना आया, हमारा गंदा इलम है, कलाम पढ़ने वाली जबान भी मेरे पास है अल्लाह ने दी है। समझा ना नाला, देखा वैसे तो कलाम उन्हें भी पढ़ रहा, सब पढ़ रहे, मगर मेरे उसके पढ़ने में कितना तासीर है, देखा अल्लाह करम से मेरे पढ़ने में कुछ ना दिखावा है, खाली खाली दिखावा है, अजान देना, नमाज पढ़ना, ये खाली दिखावा है मेरा बस लोगों को। तू दिखावा करता बच्चा, अब क्या करूं, इबादत तो करता अल्लाह की, इबादत भी करता तू, हां अजान भी देता तू? अजान देना इनसे तो बंद करा मेरी, इसने तो अजान मैं देता था। अच्छा ये कमीने ने कुत्ते ने अजान मेरी बंद करा, देना खजर की। कब बंद करा उन्होंने? यहां से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले एक निजामबाद का मौलाना आया था जमात में, उसने इसके पास एक जिन्नात छोड़ा था, और वो जिन्नात ने जब मैं फजर के आदान देने जाता तो मेरे नल्डी मत था, इन्हें मेरी आदान देना बंद करा, बल्कि तूने चिड़ के जकड़ लिया तूने उसको। फिर
पटना के मौलाना को बताया नहीं, बिहार बिहार गया जिन्नात बन करके मस्जिद के दरवाजे में नहीं, खुद कारा की नहीं, फिर भी नहीं माना, वहां से भी उसको छोड़ दिया लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा। फिर हवरे का आया, यूपी का आया, नहीं माना तो गले में बन दिया मुझे, गले में गले में बन के रोटी होना खाने को तो चलेगा बन के, मैंने तो वहीं कहूँगा। यूपी के मौलाना ने वैसे करा था कि बंदर अटका के रखा था, और बस आप तुम्हारे पास ही, एक तो काम निकल गया इसका, गए उतारे में जलाई में इसके पेट में टाइफाइड की दवा मिला खिला था मैंने, इसके बाप ने मेरे साथ भेजा था, पांगरी को भेजा था के हाल को, वहाँ टाइफाइड की दवा खिलाया था मैंने, दवा मिला खिलाया, टाइफाइड की दवा मिला के धोखे खिलाया था मैंने उसको, वो पेट में था तो निकल गया। अब बाकी इतना बचा रहा हूँ मैं बस, अब 11 जुमेरात करना ही नहीं है कि खाली आके भी गया तो मैं यहाँ चल जाऊँगा, उसके बाद नहीं आऊँगा। 11 जुमेरात में यहाँ कंटिन्यू आना, उसके बाद तू नहीं आएगा उसके यहाँ पे कभी नहीं, छोड़ दूंगा मैं, शैतान की जबान छोड़ दूंगा मैं, कभी नहीं आऊँगा छोड़ दूंगा, बस इतना है मैं, अभी इतने में चालू है मेरा। सोए वाला था मैंने पढ़ के फूका इस यहाँ पे, सब लोग रोजे में सोए बने थे, ऐसा भी कर रहा तू, रोजादारों को परेशान कर रहा कमीने, हमारा काम ही तोड़ दो तेरा था, हमारा काम है ऐसा करना, परेशान करना, हम जहन्नुम में जलेंगे ना नालायक, वो तो है जहन्नुम में तो जलना ही जलना है, कैसा भी करे जहन्नुम में जलना है, नालायक जहन्नुम में जलेगा। मेरी आदान देना बंद करा, फिर मैंने इसका जिन्नात जाने के बाद में चालू करा, लेकिन कभी कभी देता आदान नहीं, कभी कभी देता नहीं, लेकिन आज भी मेरी आवाज निकलती, जिन्नात ने मेरा नल्डा मती वाला है, उस वजह से मेरी आवाज नहीं निकलती, क्या करना तेरे साथ, सुनू बोला बस मैं बोल दिया मुझे छोड़ दो जाने दो, इसके बाद अगर दिया तकलीफ तो उसके बाद हाथ खोल एक बार बता सबको, हाथ खुलते के तेरे लगा ताकत, जकड़ो उसको जंजीरा डाल के तेजी से जकड़ लो उसको, डालो उसको तेजी से जंजीरा, और ताकत नहीं रही अब, लगा रे लगा, खत्म, बड़ा ताकतवर बन के बता रहा था। और एक बात बोल के जाता हूँ, यहाँ जाते जाते हाँ, इसके बाप को मेरे चाचा ने करवाना है, इसका बाप भी अब बहुत परेशान है फिलहाल, उसके जवानी में उसके मांडी पे धक्का दे के आज से 35-40 साल पहले की बात है, 35 से 40 साल हो गए मेरे चाचा ने करवाया, मेरे चाचा ने सिखाया, अच्छा नहीं लगा, तेरे चाचा ने तेको सिखाया सबका पूरा करना, नालायक सब जानू में जाके जलेंगे ना रे, अपने से कोई आगे जाने लगा तो उसके पीछे कैसे खींचना, ये मेरे चाचा का इल्म है, अच्छा दूसरों के टांगा पकड़ा के किसी ने कहीं सीख रहे, नालायक हो क्या औकात है तुम्हारे इल्म की, हाँ नहीं तो आज ये कहाँ क्या कहा रहे थे, उसके बाप को भी लगा था लेकिन हमारे चाचा ने जो घुट्टी मारा खत्म हो गया, उसके बाप मार दिया उसके बाप को, मारने वाले तकलीफ देने वाले कंबर में से गला दिया जाए उसका भी, बहुत परेशान है फिलहाल, अच्छा और क्या कर रहे, बस तकलीफ है दूसरा कुछ, और घर में मैं अभी मैं अभी भी कभी नहीं जान देता चमन देता, अभी भी है आज से एक महीना पहले जाकर उठा के बैठा ये सब तुम इस लोग कर रहे थे, मेरे चाचा का है वो, तेरे चाचा ने करा, क्या लेकर था जादू चलाते टाइम पे, पाँव की मट्टी और चप्पल और कुछ नहीं, अरे इसको जब तकलीफ दे रहे थे जब खुट्टी मारे थे तो वो झाड़ एक तोड़ रहा था, झाड़ की शक्ल में दीवाला है कि झाड़ की शक्ल में आना नहीं समझ में कि ये करे वाला है करके, क्या करे वाला था झाड़, जंगल में झाड़ तोड़ रहा था इसका नाम, झाड़ तोड़ना गिरना तकलीफ होना एक हो गया, इसको तो बहुत परेशान करा मुझे दाढ़ में आँखें में, लेकिन वो थोड़ा सा यूपी वाला था, धुआं पानी करके निपट देता था जाके, लेकिन चालू थी तकलीफ, लेकिन तो
तुम्हारे पास खत्म हो जाता आप खत्म हो जाता खत्म हो जाता आप खत्म हो जाता देखा नालायक देखा कैसी ताकत है अल्लाह काम से देख कोई सिखाए नहीं मुझे ये सब अल्लाह का करम है ये सब मेरे ऊपर बेशक नालायक तुरंत रहा था करेंगा बुला थोड़ा करेगा बुरा तो आज मेरा बुरा थे बहुत परेशानी है आज अंदर से परेशानी है सबको परेशान करा अंदर से परेशान हो सुकून नहीं रह सकता तू फिर अंदर दूसरों के हाथ से खड्डा खोदने वाले खुद भी जाते खड्डा में वो जानो बोले तौबा कर ले लेकिन जबान ने भूख खाए वाला है तो बात जबान तू नहीं जा सकता जबान पाक नहीं हो सकती अच्छे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह माफ करने वाला है बेअदब हम और तुम कौन होते माफ करने वाले अल्लाह है माफ करने वाला अल्लाह की मर्जी बख्शेगा नहीं बख्शेगा इसकी तो बहुत बर्बाद किया हमने आज जीरो बजट बना के अब भाई क्या मजा दरवाजे में मट्टी फेंकी आई इसकी काम करके भी गया तो मैं छोड़ दूंगा मेरा ये वादा है आज खत्म खा के खाता हूँ सच्ची तौबा करके खत्म खाता हूँ इसको छोड़ दूंगा मैं आज बस इतना वाक है पूरा खत्म हो जाना मैं छोड़ो इसको अब दोबारा आना नहीं ग्यारह जो मेरा तक उन्हें बोला ना यहाँ आना पड़ता है इसको कंटिन्यू उन्हें जान देता है नहीं तो पकड़ के लाओ तुम ग्यारह जो मेरा हाजिरी दे के जाओ खुद लोगों को चले जाता हूँ अल्लाह करम से अब तो होने को अब्बा को लेके आता हाँ बिस्तर में डाले बोलते ना हाँ लगा लगा पूरी ताकत लगा ये मन के दर्द काटो में इसका मन दो महीने के बाद तो इसको पट्टा लगने वाला था तूने डाला था दरा दो अभी चालू ना कहा था मैंने एक साल से निकाल पूरा निकाल निकाल रहा था वो उसको बिठा दे रहा मैं जगह पे अच्छा निकाल दे बस यहाँ के ऊपर का दर्द ये और अखी का हया था बस बाकी खत्म हो गया था सारे दर्द निकाल उसके सारे एक भी दर्द बाकी नहीं बस ये मुझे जलाल ने हमें को गुस्सा आया कि जरा भी नहीं बख्शता फिर मैं नहीं तो मुझे खत्म कर दिया ना ऐसी भी आजान देता तो वो भी खत्म कर दिया मेरी गांजा पीता दारू पीता फिर आजान देता था मैं तो माफ नहीं छोड़ने वाला हूँ अल्लाह की मर्जी कब बख्श दे मेरी जबान बोबड़ी कर दिया इन्हें दिन रात किधर मेरी जबान बोबड़ी कर दी बोबड़ी आज भी आवाज नहीं निकलती मेरी आज तीन साल नंडी मताई ने मेरी तीन साल एक दिन नहीं तीन साल मुर्गी चिड़ के तूने स्विच कर दिया वैसा आलम उसका नहीं तो वो पहले से था मेरा इसके ऊपर ये तो 10 साल पुराना है लेकिन वो जिन्नात मुझे तकलीफ देने का तो मैंने फिर जाके देना चालू करा लगा पूरी ताकत लगा सबको बता वहां तक खुलते क्या लगा पूरी ताकत हाथ तो खुलते नहीं अब ताकत नहीं रही अब खत्म हो गया चल उसके पूरे बीमारियां निकाल देना तूने छोड़ देता मैं सब छोड़ दूंगा उन्हें बोल रहा 11 जुमेरात तुम यहाँ मेरे पास में लाना उसको भले ही लाके उसको सलाम करके क्यों नहीं ले जाना यहाँ लाके वो खुद ब खुद उसका क्या बोलते तो हल हो जाएगा और मैं अगर यहाँ नहीं भी रहा तो यहाँ लाके कमरे में बिठा के लेके चल जाते जाना वैसे मैं हर जुमेरात को रहता हूँ इत्तेफाकन आगे का बोलने तुम्हारे आदमी बहुत मार रहे मुझे जोर से बोल तुम्हारे आदमी बहुत मार रहे मुझे फिर मारते थे वैसे फिर अल्लाह लोगों को तकलीफ दिया तुम बहुत मार रहे छोड़ते नहीं बहुत मार रहे मार रहे बहुत बोलना जब तक मैं हुकुम देता नहीं जब तक नहीं छोड़ते अल्लाह का छोड़ दो बोलना जोर से बोल पूरी ताकत लगा के मांगना पड़ता माफी दुहार लगाना पड़ता मेरे को सुने आना फिर उस बाद में हुकुम देता छोड़ने का नहीं तो नहीं ताकत ही नहीं आप फिर भी जुटा पूरी ताकत तू जल गया मैं यहाँ पूरा छाती के नीचे आप कहाँ से ताकत दूंगा छाती के ऊपर का बच्चे आने को जला दूंगा मैं पूरा उससे पहले लगा पूरी ताकत जल्दी पहले बोला था मैंने देख पहली चक्कर में इज्जत से कि चले जा मैं एक मौका देता चले जाने का बाद में मेरे को बोलना नहीं बोल के नहीं मेरा मान एक फिर मैं जला देता फिर वो तो तुम अभी जला सकते
तुम्हारे पास वही महे तुम आप भी जला सकते सब अल्लाह ने दिया लाने को देखा ना कहीं ताकत कुछ वापस नहीं जान सकते छोड़ देने का फोद मार रहे तुम्हारे आदमी बहुत मार रहे देखो पूरा चिट्ठी बहुत मार रहे हैं मार मार आखिरी दिन तो बहुत मारने वाले हो लेकिन 11 होने के बाद आज से दर्द बाकी है बहुत बड़ी फौज है तुम्हारी बाहर खड़े वाली चार पांच ही मार रहे हो अभी सबको हुक्म इतने दिए ना अभी लाइन से खड़े वाले सबको हुक्म देने की जरूरत ही क्या है खाली कुछ हुक्म दिया चार पांच कुछ हुक्म दिया लाइन हम मुंह मारेंगे देखो उनकी सेना को बेच के पूरा वो कराने का है कह रहे बड़ा जंग अब उनको हुक्म दिए नहीं ना अभी इतने काफी है तेरे वास्ते मारो उसको और ना लाइफ को खुद मार रहे हो छोड़ दो मुझे कितने देखा बाहर बता सबको कितनी सेना है तो गिन नहीं सकता मैं देखा ना ये कोने से ये किराना दुकान है वहां से तो मस्जिद के उधर बहुत दूर तक लाइन है वो बड़ा रोड है उधर वांगी रोड जाता उसके आगे भी दिख रहे सब पूरा मेरा मेरा लश्कर है पूरा लाइन लगे वाला सफेद लश्कर है पूरा तैयारी में खाली हुकुम की देखा ना ये बहुत बड़े हैं पर काले ये तो बहुत बुरा मारते हैं इनको हुकुम दिया ये कैसे बता सब कुछ होते कुमार रहे तो कैसे दिखते हो काले बहुत भयानक है वेस्टर्न डिश के लोग आते क्या नेग्रो वैसे ही है बहुत खतरनाक मारने वाले है ना ये देखो बहुत खतरनाक है पूरों को भस्म करने की ड्यूटी दिया कोई नहीं टिक सकता इनके सामने सिवा अल्लाह के और उनके नबी वो सब अल्लाह के हुकुम के अल्लाह के कलाम के सब गुलाम थे ना बस और उसके बाद सहाबा सब था भाई वो तो सब उनको मानने वाले ना उनकी सेनाओं में से ना ये सब उनके टुकड़े हैं सब उनकी फोर्स से तो पहले बोला था ना मैं इज्जत से चले जा मैं कुछ नहीं करता तूने बोला था चले जाता फिर तू बार बार वापिस आ रहा बोल के तेरे को आधा भस्म कर दिया आधा बचा ला आधा भस्म कर दे ये तो बहुत बार करा मैंने ऐसा चले जा दूसरों के पास में करा वैसा यहाँ पे भी वैसा समझा तू जाता हूँ बोल के चकने देने को सोचा उसका एक ताहिर है मुमारा नाना था हाँ उसे मुगा उसके बाद बहुत बार मैंने ऐसा करा उसे चले जाता खत्म खाया वो जानते के साथ में छोटे मोटे इलाज वालों के सामने तो वैसा यहाँ पे भी समझाता हूँ अगर किसका क्या काम है एक मौका दिया था तेरे को बाद में तू अल्लाह के सामने मेरे को नहीं बोलना कि मैंने अल्लाह की मखलूक को बचने का मौका नहीं दिया यारा ने नागा ने गुना कभी ये भी मेरा वो है। तो उसको लेंगे पकड़ के नो क्या राजू में रात लेंगे उसको बारों पर 11 में नागा ने गुना मैं छोड़ दूंगा बस कुछ नहीं चल बता बाहर कितना लश्कर देखा तूने बता सबको बहुत लश्कर है कैसे कपड़े उनके आंग में बता सबको पूरे सफेद हैं जोर से बोल पूरे सफेद है कहाँ से कहाँ तक वो खड़े वाले बता बहुत दूर तक वांगी हुए बहुत किनार के पैरों तक चले गए तो फोटो एक भट्टी के पैरों तक दिखेंगे दिमाग को बहुत लेने जहाँ तक भी तेरी नजर जाएगी वहां तक दिखेंगे वहां तक है सब मेरा लश्कर हो देखा लेकिन इधर ये दुकान किराना दुकान के आगे लेना खड़े वाले है ना पूरे जिधर मैं रहूंगा उधर खड़े वाले रहेंगे ना पूरा लश्कर हुकुम के तामिल के हुकुम के वास्ते खड़े वाले बस जो हुकुम दिए उनको काम करते हो ये वो डाबी से चार ये फोक मार रहे मुझे हाँ थे अंदर ये अंदर आते घिर लेते ये अंदर ये तो इनको स्पेशल हुकुम दिया था एकदम स्पेशल है ना अल्लाह करम से फोक मार रहे एकदम करीब रहते हो मेरे चारों तरफ घेर के आते जकड़ लेते जंजीर डाल के फोक मार रहे आई अक्कल ठिकाने को बहुत जुलूम दे रहा था लोगों को तो उत्ते होने के बावजूद भी मैंने किसको कुछ तकलीफ नहीं दिया आज तक तकलीफ नहीं देने करके अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम्हारे साथ है तब तबाइन का साया है तुम्हारे ऊपर ये कभी नहीं हटने वाला जिस दिन तुम भी वहां से जगह छोड़ देंगे तो मेरे सरदार हर जानते का होता वैसा सबका होने वाला है लेकिन सारे जान तो वैसे मारने तुम्हारी नियत वैसी नहीं है नियत साफ है सारे जान तो वैसे मारने वालों बन के नालायक बहुत मस्ती चढ़ी तुम्हारे लोगों बता जो तुझे मार रहे कैसे दिखते हो बता सबको काले है काले
वेस्टर्न डिश के हल्के से वेस्टर्न डिश के कितनी हाइट है उनकी पता वही 8 फीट 7 फीट के हाइट के देखा ना कैसे ताकतवर है अल्लाह करम से तुम सब क्या हुक्म देना आप तेरे बारे में बोलो छोड़ दूंगी आप छोड़ दो आप छोड़ देना देखा लश्कर कितना बड़ा है लक्करम से तो कहाँ से कहाँ तक नजर जारी मार कहाँ तक भी मार तू नजर तक वहाँ तक दिखने आले सो इसलिए मैं बोला ना ये यहाँ के सलाम करके भाई गया खाली तो ये मंदर ये काम करने वाले ये 5 जो मार रहे ये काम करने वाले ये बाकी आने वालों का भी खिदमत में है ये और यही काम करने वाले पूरा अब क्या हुकुम देना तेरे बारे में बोला आधा तो चल गया तुम चले जाता आप जल जाऊंगा मैं 11 दिन आपने लेकिन प्रतिदिन 11 10 बाकी है आज की 11 है तो पहले आज पिछला सब भूल जाना अब यहां से चल मेरा दोगे भाई यहां से कंटिन्यू 11 दिन मेरा लाना मैं बोलता हूं तुम लोगों को भी अभी ना तो सुन के जाना जबान 11 दिन मेरा लाना खाली लेके जाना पूरा बैठ जाता खाली सलाम करके भी चलता बैठने की गरज नहीं सब छोड़ उन्हें बोल रहा खाली लेके आना सलाम करना मुसाफा कराना लेके चले जाना उन्हें खुद 11 जुमरात में खत्म हो जाएगा बस देखा कैसी अल्लाह करम से ताकत है तो अल्लाह कलाम में चल भाग जा भाग स्पीड में भाग जा रहा जाने का रुपान दे हाथ पे थोड़ा पानी दारू पड़ के मेरे मेरे को एक अखिल बिठाना है क्या कर रहा एक रखिल बिठाना है इसके घर के सामने की ले मिटा जल्दी पूरी मिटा बरोबर मिटा थोड़ा और पानी डालो आग लगा दिया मैं थोड़ी पानी डालो जल नहीं गया मैं छोड़ दो मैं चले जाता खुलने का हुक्म तू जंजीरा पूरे निकाल दे मैं क्या और मारू उसके अंदर जितने बीमार हैं सब लेके जाना मनके का तो निकाल दिया तूने अब की दर्द उसके और कौन सा दर्द है उसको आँख का दर्द दांत का दर्द सब निकाल देना ठीक है बाद में मैं हुक्म दे दूंगा पूरा भस्म कराने का अभी तो आधा करा दिए तुझे चल भाग जा पानी दो थोड़ा पानी दो थोड़ा चलो हाथ में पानी मेरा चलो भाग जा चले जा चले जा चले जा भाग जा सीधा रास्ता खुल रहा है अरे क्या हुआ क्या हुआ कुछ भी नहीं कितने अभी सवाल जवाब चले तुम्हारे आंगन आया था कितने सवाल जवाब याद है तुम्हारे कुछ भी नहीं शुरू के कितने याद है बीच में के कितने याद है कुछ भी नहीं हाँ कुछ भी नहीं एक भी नहीं हाँ तुम्हारे को तो पूरे याद है मुसाफा तो भी करके जाना तो खत्म हो जाएगा उन्हें 11 जुमेरात बाद और अगर नहीं आएंगे एक भी छुट्टी मारे तो फिर डबल से 11 करना पड़ेगा समझ गए छुट्टी नहीं मार इनको बन के लाओ पकड़ के तो वैसी बात है मैं बोलता ना हमेशा सबको कम से कम 11 दिन में रहता हो खुद ब खुद जला देते पकड़ के यहाँ सब काम करने वाले उन्होंने देखा यहाँ से लश्कर खड़े आ रहा था वहाँ कहाँ तक भी नजर मारो जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक खड़े आ रही कहीं तक भी नजर जा रही वहाँ तक खड़े आ रही सामान यहाँ उसको जो मार रहे थे तो वो दूसरे थे मारने वाले लग रहे इतना दम धो रहे थे क्या जोर से बोलो तुम्हारे अम्मी के मारने पे सब लश्कर में विरासत में मिले विरासत में मिलने के बाद भी जिक्र अस्कार इबादत अल्लाह की करने की वजह से मिले आले एक को नहीं ले सकते एक को लेने वर्ड पागल कर देते हम मार दिया पूरा लश्कर सफे हैं अल्लाह ने दिया पूरी
उन्हें बोल रहा था खाली तुम्हारे हुकुम की तामील के वास्ते खड़े आ रहे हो बाहर, जो भी तुम हुकुम दे दी कि ब्लास्ट कर निकलता पूरा दिन क्या चार मार रहे थे बोले अभी तो चार इतना पूरा धो रहे थे उसको पकड़ के जिसके अंदर साढ़े आठ तो ठहरे थे बोले उसने सवारी गाड़ी पे सुनो मालूम होगा हाँ यहाँ से ग्यारह ये पकड़ के ग्यारह बोले दस जो मेरा कंपल्सरी आने का हजरत को लेके आने लोगों का एक दो मोकिल रहते तो मोकिल तो रहते थे किसी का जिन्ना आदमी रहते शैतान ना चुरोड़ा रहते थे थोड़ा मार यहाँ सफ़े की सफ़े खड़े आले अल्लाह करम सुनो ना उसकी जुबानी पूरी बाहर जिधर भी गया उधर पूरा लश्कर साथ में कोने दुकान के कोने से जो है पूरे खड़े आले वहाँ की रोड से वैसा किनाल के पैर रोड तक पूरा गया ला सब सफेद कपड़े में ध्यान दें बताओ डर के भाग जाएंगे सब नहीं डर के और ये मारने वाले ये बहुत खतरनाक है सब जिसके उसके काम आ रहे थे वो जंग का लश्कर है ये जो है तो ये मारने वाले वो कहीं भी भेज के काम लगा उस एरिया में शैताना परेशान कर रहे लोगों की धड़ धड़ घुस जाते हैं एक बार देखने क्या इतना आयु देख के लिए और देखने की ख्वाहिश है क्या आंखों से मगर डर जाएंगे तुम देख के तुम है ना उन्हें देखा एक बार ये ना देखा भाई कहाँ देखे थे वो उसके अंकल जो छोड़े आ रहा था वो इसके उपाय था पहचान को दिखा नहीं वो बंद क्या है तो एक ये दिखा था शैतान दिखा रहा था क्या नाथ वो तो इन्हों छोड़ गए थे निदम बंद मोहन कौन वो जाएंगे वो क्या बन गया जिन्नात आ शैतान आ जा तो उसमें कई बादशाह हैं जिन्नातों के खड़े आले वो सब तो फिर क्या सारे सफ़े यहाँ गुलाम है अल्लाह के हुक्म से उससे तो कौन भी रंग फिर लोग क्यों बोलते ये ग्यारह जुमे रात के बाद सब हो जाएंगे खत्म उन्होंने बोला आंग में आग बार बार कि उसको आधा जला दिया आधा बचे वाला है ग्यारह जुमे रात तुम्हारा कंटिन्यू आना पड़ेगा यहाँ इससे पहले मैं भी बोला था तुम्हारा तुम बहुत छुट्टियाँ मार दे अब उन्होंने बोला ग्यारह जुमे रात तुम कंटिन्यू आना एक जुमे रात को भी छुट्टी नहीं मारना कम दुआ भी नहीं पड़ा है कुछ भी नहीं तो कम से कम मुसाफा करके जाना सलाम करके तभी जाना बस खत्म कि बस खत्म ग्यारह गाने का नंबर लगाने का नहीं रुक लगाने कुछ नहीं आए सलाम करे मुसाफिर बीच में गया बोले 40 दिन ग्यामर में गया तुम्हारे को आओ बोला था ना मैं पढ़ते घर को ना पकड़ो बोला था ना आ भी सकते ना उसके दौरान दो घंटे बैठना पड़ा सर तुम्हारे को नंबर नहीं भी आ रहा तो सलाम करके चले जाने का बोला था मुझे अभी हो तो अल्लाह के परवनी आला है मजीदुर आला अच्छा अच्छा इनको बात करने की जरूरत हां